सब्सक्राइब कीजिए मूवी इंडिया को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट ऑफर न्यूज़ सबसे पहले देखने के लिए। क्या जियो हमें दिवाली धनाधन ऑफर दे करके पागल बना रहा है? क्यों, कैसे, क्या? डाउट्स क्लियर करूंगा इस वीडियो में सारे। जो कि प्लान आया है कल से शुरू हुआ, 12 तारीख से, परसों से 12 तारीख से हुआ है प्लान शुरू। इसमें अपन को बताया गया है कि आपको 100% का कैशबैक है, लेकिन वो कैशबैक कहाँ मिला? क्या आपने करवा लिया रिचार्ज और नहीं मिला आपको कैशबैक? कहाँ गया वो कैशबैक? क्या हुआ फ़ायदा, क्या हुआ नुकसान? अभी बताता हूँ इस वीडियो में आपको प्रूफ के साथ। दोस्तों, कल लास्ट वीडियो में मैंने आपको अपने नंबर पर रिचार्ज करते हुए बताया था, जिसमें मुझे 100 रुपये का इंस्टेंट कैशबैक मिला था और वहाँ पर कंडीशंस में कहा गया था कि आपको 100% का कैशबैक अलग मिलेगा, जो कि मेरे नंबर पर रिचार्ज हो गया था तो मुझे मिल गया था 7:11 पर। वो मैंने रिचार्ज किया था सुबह 6:11 के आसपास। इस मैसेज में साफ साफ लिखा हुआ है कि रिचार्ज ऑफ 399 इज सक्सेसफुल फॉर योर जियो नंबर। मेरे जियो नंबर के लिए 399 का रिचार्ज हो गया है। इंटाइटलमेंट के साथ लिखा हुआ है 100% कैशबैक ऑफर, रिचार्ज विद MRP 399 बिटवीन 12 to 18 अक्टूबर। तो इसमें जो 12 से 18 अक्टूबर के बीच में जो मैंने रिचार्ज कराया, उसमें मैं एलिजिबल था 100% कैशबैक के लिए, तो मुझे 8 वाउचर मिले ऑफ 50 रुपये ईच, जो मैं रिडीम कर सकता हूँ केवल माय जियो ऐप पर 15 नवंबर 2017 के बाद में। मतलब मुझे मिल गया है 100% कैशबैक, लेकिन कितना अच्छे तरीके से, मतलब मार्केटिंग का प्लान है जियो का, आप समझ नहीं सकते। जो व्यक्ति जियो को छोड़ना चाहता है वो भी अभी रिचार्ज कराएगा 12 से 18 के बीच में, और वो जुड़ा हो जाए और वो जुड़ जाएगा अगले 8 रिचार्जेस तक। मतलब कि हर रिचार्ज पर 50 रुपये की छूट मिल रही है यार, कौन नहीं चाहता? और अपन को तो 100 रुपये स्पेशल अलग भी मिल रहे हैं, मतलब कि 399 के रिचार्ज पर 500 रुपये। अब आप सोच रहे होंगे कि हमको, हमने भी कराया रिचार्ज लेकिन हमको क्यों नहीं मिला? तो इसकी भी दोस्तों कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है। इस पे ऑफर जो है वो सिर्फ 5 वॉलेट्स पे दिया गया है। अगर आप किसी भी जियो के प्लेटफॉर्म से रिचार्ज करते हैं तो आपको ये 8 कूपन्स मिलेंगे। उसके बाद अगर आप पेटीएम से करते हैं, अमेजोन पे से करते हैं, फ़ोनपे से करते हैं, मोबीक्विक से करते हैं, तो ये जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं 3, 4, 5 जो के, और एक जियो मनी से, क्योंकि वो जियो का ही प्लेटफॉर्म है, तो ये 4-5 जो बड़े प्लेटफॉर्म है सिर्फ इन्हीं पर ये ऑफर दिया गया है। अगर आप किसी भी दूसरे से करते हैं, जैसे कि अगर आप नेट बैंकिंग से कर लेते हैं या HDFC बैंक की वेबसाइट से कर लेते हैं, SBI की वेबसाइट से कर लेते हैं या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से कर लेते हैं, कोटक महिंद्रा बैंक से कर लेते हैं, तो आपको ये ऑफर नहीं मिलेगा 100% कैशबैक का, आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अब रहा सवाल यार, आज हम रिचार्ज कराते, हमने तो 10 दिन पहले रिचार्ज कराया, तो आज हम रिचार्ज कराएंगे तो हमारा वो प्लान कहाँ जाएगा? तो इसकी भी मैं आपको प्रूफ के साथ पूरी डिटेल्स दे देता हूँ। मैंने कल रिचार्ज किया, आपके सामने मेरा करंट प्लान आ गया है जियो धनाधन 399 अवेलेबल, टोटल अवेलेबल 100 SMS ए डे, 100 SMS बच रहे हैं, 1 GB पर डे में से 971.29 MB बच रहा है। ये देखिए, एक्सपायर्स 4 December 2017 11:09 PM, ये एक्सपायर होगा 4 December 2017 को 11:09 पर रात को। और जियो प्राइम मेंबरशिप 99 रुपीज़ की जो एक्सपायर होगी 11 मार्च को। ये देखिए अगला ऑफर, अपकमिंग प्लान जियो धनाधन 399 एक्टिवेट 100 SMS पर डे, और ये वैलिड है 84 डेज़ के लिए। मतलब कि ये प्लान तभी शुरू होगा जब ये प्लान एक्सपायर हो जाएगा 4 December 11:09 PM को। और रही बात कि वो ऑफ़र वाउचर कहाँ आए हैं, तो ये माय वाउचर सेक्शन में व्यूज़ में मुझे कल 9 वाउचर मिले। जियो सिस्टम वर्क नहीं कर रहा है सही तरीके से। मुझे कल 9 वाउचर मिले हैं, जिसमें से 8 वाउचर तो मुझे 50 रुपीज़ के मिले हैं, जो नेक्स्ट 8 रिचार्जेस पर काम आएंगे। कस्टमर केयर से बात हुई थी तो वहाँ पर उन्होंने कहा था कि वो 8 रिचार्ज आपके ही नंबर पर अगर आप रिचार्ज करेंगे तो ही आपको मिलेंगे, अन्यथा नहीं मिलेंगे, और वो रिचार्ज होने चाहिए माई जियो ऐप के थ्रू। मतलब माई जियो ऐप में ये रिचार्ज का ऑप्शन है, यहाँ से अगर आप रिचार्ज करेंगे तो ही रिचार्ज होगा, वरना नहीं होगा। शायद सर्विस में आ रही है प्रॉब्लम, क्योंकि मैं नेट यूज़ कर रहा हूँ एयरटेल की सिम में और यूज़ कर रहा हूँ जियो का ऐप। मैं यहाँ से कोई भी प्लान बाय कर सकता हूँ,
माय वाउचर सेक्शन में नो रिस्पांस फ्रॉम एप्लीकेशन वेब सर्वर, मैं एक बार नेटवर्क चेंज करता हूँ अपना पोस्ट करके वीडियो, उसके बाद देखते हैं। मैंने कर लिया है दोस्तों जियो का नेटवर्क ऑन, लेकिन ये नहीं हो रहा है शो, आ रही है कोई प्रॉब्लम्स, वाउचर्स नहीं हो रहे शो। रिडीम में जा कर के देख सकते हैं, इसमें भी नहीं आ रहा है क्योंकि इन दोनों में शो हो रहे थे वाउचर्स। शायद अभी कोई कंपनी एरर चल रहा है इस कारण नहीं हो रहा है, लेकिन ये 100% गारंटेड है कि आपको वाउचर मिलेंगे, 8 वाउचर मिलेंगे अगर आप किसी भी जियो प्लेटफॉर्म से या किसी जियो रिटेलर के द्वारा रिचार्ज कराते हैं या फिर इन 4-5 प्लेटफॉर्म से करते हैं, मोबीक्विक, पेटीएम, फ़ोनपे और अमेज़ोन पे। अमेज़ोन पे और फ़ोनपे पे तो एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिल रहा है, 100 रुपये और 101 रुपये का कैशबैक। अमेज़ोन पे 101 रुपये का कैशबैक है जो 7 दिन में आएगा, और फ़ोनपे पे तो इतना इंस्टेंट आता है कि मेरे रिचार्ज हुआ उससे पहले कैशबैक की हिस्ट्री आ गई। कल मैंने उसको भी प्रूफ किया था आपके सामने। और अब ये है प्लान की अगर आप करते हैं, क्योंकि जियो बेवकूफ़ क्यों, क्योंकि प्लान महंगा होने जा रहा है। और देख लेना, जो लोग रिचार्ज नहीं कराने वाले हैं या जो भी है कस्टमर जो टूटना चाहता है जियो से, जियो का नेटवर्क अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन वो सोचेगा कि यार 100% प्लान है। जियो हमेशा टर्म्स एंड कंडीशन ऐसी रखता है कि सामने वाले को समझ नहीं आती है। जियो फ़ोन पर भी उसने ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन रखी है, लेकिन वो बहुत अच्छे तरीके से रखी है। अपन सोच रहे हैं वो ख़राब है, फ़ोन लेने वाला फंस गया यार, फ़ोन लिया है तो यार 1500 रुपये का रिचार्ज तो मंथली कराना ही होगा ना। जब मंथली रिचार्ज कराएंगे आप 150 रुपये का, तो वो 1500 रुपये 10 महीने में हो जाएगा। जियो तो यही चाहता है कि बस जुड़ जाओ, करवा लो रिचार्ज। इसमें बेनिफिट और नुकसान किसी का, बेनिफिट तो कंपनी का ही है और नुकसान अपना भी नहीं है, बेनिफिट अपन को भी मिल रहा है, लेकिन अगले 8 रिचार्जेस पर इस रिचार्ज पर कोई बेनिफिट नहीं है कंपनी की ओर से। फ़ोन पे से और अमेज़ोन पे से अपन दिमाग लगा करके करते हैं रिचार्ज तो वो अलग बात है, लेकिन कंपनी ने ये अगले 8 रिचार्जेस पर ऑफर दिया है, जो जब कंपनी फ्री में भी इतना डेटा दे सकती है तो 350 रुपये में उसका क्या है, मतलब 399 का 349 में दे दिया 50 रुपये का। और अभी तो प्लान महंगे होने वाले हैं, तो क्या पता वो प्लान को महंगा करके कर दे 400 × 50 रुपये का, और उसमें आप यूज़ करो 50 रुपये का कूपन, जिसका मतलब है कि हम पूरे तरीके से बेवकूफ़ बनने जा रहे हैं। लेकिन अब आदत हो गई है, इंटरनेट हमारा ऑक्सीजन है, तो हमको ये यूज़ करना ही होगा। हमें रोज़ का 1 GB नेट, 2 GB नेट रोज़ाना चाहिए, नहीं हो तो फिर हम क्या करें, ये सोचा भी नहीं जा सकता। और बाकी फ्लिपकार्ट ने कर दिया है सेल शुरू, फ्लिपकार्ट और अमेज़ोन दोनों ने मिलकर के कर दिए धमाल। लेकिन इस बार आ गया है अमेज़ोन पर नोटिफिकेशन कि इस साल की ये शायद लास्ट सेल होगी, न्यू ईयर की सेल 31 या 1 को आएगी। अब इसके बाद भी कोई सेल दे देती है तो अलग बात है। बाकी अमेज़ोन ने तो कर दिया था खुलासा, अमेज़ोन ने कल दे दिया था एक एड अपने ऐप पर, दिस इज़ द लास्ट टाइम टू सेव मनी दिस ईयर, मतलब इस साल ये आखिरी मौका होगा जब आप पैसा बचा पाएंगे। शायद ये इसलिए कहा होगा ताकि आप खरीद ले बहुत सारा कुछ और फिर एक और सेल दे देवे, ताकि उसका तो बेनिफिट है ही सही हर जगह पर। बाकी 14 से 17 मोबाइल्स पर बड़ी बड़ी डील्स चल रही है फ्लिपकार्ट पर, और 20% कैशबैक दिया ही है फ़ोन पे पर हर बार की तरह, और 10% दिया है अमेज़ोन से, नहीं HDFC बैंक से, सॉरी मैंने गलती से अमेज़ोन बोल दिया। दोस्तों यही थे आज के सारे अपडेट्स, मैंने बता दिया सारा, मैं आपको जैसे ही वहाँ पर वो शो हो जाएगा मैं आपको बता दूंगा कैसे 50 रुपये का कूपन यूज़ करना है, और मैं आपको पूरी डिटेल्स के साथ एक वीडियो बना करके उसका रिचार्ज वगैरह करूंगा तब जब भी, अगर तो मैं आपका वीडियो बना करके दे दूंगा एक। वैसे मेरा रिचार्ज बहुत दूर है तो मुझे रिचार्ज करने की अभी फ्रिक्वेंटली ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन जैसे ही मुझे वो कूपन दिख जाएगा मैं आपको समझा दूंगा कि आपको कैसे यूज़ करना है। अगली बार रिचार्ज कराने के लिए आपको रिटेलर या किसी और को कहना नहीं होगा, वो 50 रुपये का कूपन अगर आपको यूज करना है तो वो माय जियो ऐप से रिचार्ज करके ही देना पड़ेगा। थैंक यू गाइज, अगर आपने अभी तक नोटिफिकेशन बेल और सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया है तो दोनों को दबा लीजिए, जिससे कि आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। अभी मैं नया हूँ, शायद मेरी आवाज़ वगैरह मिस्टेक, मतलब हिचकिचाहट वगैरह और अच्छी सी प्रोडक्टिविटी नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे बहुत अच्छा हो जाएगा क्योंकि मुझे अपने ऊपर विश्वास है। थैंक यू गाइज़।